बच्चों, हम 7th क्लास की हिंदी की वसंत पाठ्य पुस्तक से पांचों पाठ मिठाई वाला पढ़ रहे थे। हमने इसके प्रश्न उत्तर किए। आज हम इसके आगे के कहानी से आगे के प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, मिठाई वाले के परिवार के साथ क्या हुआ होगा? सोचिए और इस आधार पर एक और कहानी बनाइए। उत्तर, मिठाई वाले का परिवार अवश्य ही किसी दुर्घटना का शिकार हुआ होगा। कहानी, एक गांव में एक मिठाई वाले की दुकान थी। तरह तरह की मिठाइयाँ बेचा करता था। छोटे 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 बड़े सभी उसकी मिठाइयाँ शौक से खाते थे। दुकान के साथ ही उसका घर भी था। जब भी दुकान पर कोई ग्राहक ना होता, वह अपने बच्चों के साथ खेलता और खुश होता था। उसके बच्चे बहुत शालीन थे, कभी भी उसे किसी बात के लिए परेशान न करते थे। एक दिन वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गांव में किसी रिश्तेदार की शादी में गया। खुशी खुशी गांव वालों ने भी उसकी सारी तैयारियां करवाई। उसने कपड़े, गहने, बच्चों का सामान बहुत कुछ खरीदा। गांव के कुछ लोग उसे स्टेशन तक छोड़ने भी गए। रेलगाड़ी में पत्नी, बच्चे, वह स्वयं सभी बहुत खुश थे। अचानक तेज रफ्तार से चलती गाड़ी के कुछ डिब्बे रेल की पटरी से उतर गए और वह बुरी तरह से उलट गए। न जाने कितने ही लोग इस हादसे में मर गए। मरने वालों में उसकी पत्नी और बच्चे भी थे। मिठाई वाला तो जैसे पागल ही हो गया। वह गांव वापस आ गया। आज भी इतने वर्षों के बाद वह इस हादसे को भूल नहीं पाया। गुमसुम न जाने कौन सी यादों में खोया रहता है। अपनी सारी यादों को ताजा रखने के लिए उसने अपने घर को एक अनाथ आश्रम बना डाला। न जाने अनाथ बच्चों को पालने में वह कौन सी खुशी प्राप्त करता है। ये कहानी है जो मिठाई वाले के कहानी के तरह की ही है। प्रश्न नंबर 2 है, हाट, मेले, शादी आदि आयोजनों में कौन कौन सी चीजें आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करती हैं? उनको सजाने बनाने में किसका हाथ होगा? उन चेहरों के बारे में लिखिए। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, हाट, मेले, शादी आदि आयोजनों में मिठाइयाँ, गोलगप्पे, चाट, पपड़ी, फूड चाट, चीले, छोले, भटूरे, सांभर, डोसा, इडली, चाइनीज फूड, इनके अलावा विभिन्न खाद्य पदार्थ आकर्षित करते हैं। उनको बनाने सजाने में विभिन्न पाक कला विशेषज्ञों का हाथ होता है। जैसे खाद्य पदार्थों के लिए हलवाई, इनके पहनावे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हो सकते हैं। जैसे समोसे बनाने वाला समोसे बनाने में, सांभर डोसा बनाने वाला सांभर में, इडली बनाने वाला इडली बनाने में, और आइसक्रीम बनाने वाला आइसक्रीम बनाने में आदि। प्रश्न नंबर 3 है, इस कहानी में मिठाई वाला दूसरों को प्यार और खुशी देकर अपना दुख कम करता है। इस मिजाज की और कहानियां, कविताएं पढ़िए। ऐसी कहानियां आप पुस्तकालय से या नेट से सर्च कर सकते हैं, या अपने बड़ों से पूछ करके लिख सकते हैं, या कक्षा में जब भी हम पढ़ेंगे तो हम इस पर चर्चा करेंगे। आप अनुमान और कल्पना पर आधारित ये प्रश्न देखिए। आपकी गलियों में कई अजनबी फेरी वाले आते होंगे। आप उनके बारे में क्या-क्या जानते हैं? अगली बार जब आपकी गली में कोई फेरी वाला आए तो उससे बातचीत कर जानने की कोशिश कीजिए। इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, हमारी गली में मौसम के अनुसार कई फेरी वाले आते हैं, जैसे मूंगफली वाला, चाट वाला, फल वाला, सब्जी वाला, खिलौने वाला, आइसक्रीम वाला, कपड़े वाला आदि। वे सब बड़ी बड़ी मीठी स्वर में पुकार पुकार कर अपनी चीजें बेचते हैं। ये लोग कम पैसे में, पूंजी के अभाव में घूम घूम कर चीजें बेचते हैं। अगर इनके पास पूंजी होती तो ये भी बड़े दुकानदार होते। चाट, आलू टिक्की फेरी वाले से बातचीत इस तरह से है। देखिए, बालक, ए चाट वाले भैया, 10 रुपए में कितने टिक्की दिए हैं? चाट वाला, 5 के 1 और 10 रुपए के 2 टिक्की। बालक, 10 रुपए में 3 आते हैं? चाट वाला, मेरे आलू की टिक्की विशेष प्रकार के हैं, मैं तो 10 रुपए का 1 ही देता हूँ। बालक, अच्छा, 20 रुपए का आलू टिक्की दे दो। अगला प्रश्न,
आपके माता पिता के जमाने से लेकर अब तक फेरी की आवाजों में कैसा बदलाव आया है? बड़ों से पूछ कर लिखिए कि पहले जब लोग गली में सामान बेचने आते थे और अब जो गली में सामान बेचने वाले आते हैं, उनमें क्या अंतर है? हमारे माता पिता के जमाने में प्रत्येक वस्तु फेरी वाला ही बेचने आया करता था। वह मधुर स्वर में गा गा कर अपना सामान बेचा करता था। फेरी वाला प्राय सभी तरह की वस्तुएं लाया करता था, लेकिन आजकल फेरी वालों की संख्या में कमी आ गई है। लोग प्राय ब्रांडेड सामान खरीदना पसंद करते हैं, अतः वे अधिकतर दुकान से ही सामान लेते हैं। फेरी वाले पहले की तरह मधुर स्वर में गाते हुए नहीं चलते, अब उनके मीठे स्वर में कमी आ गई है। अक्सर लोग माइक लगाकर और इस तरह गाने बजाकर इस तरह भी फेरी का सामान बेचते हैं। क्या आपको लगता है कि वक्त के साथ फेरी के स्वर कम हुए हैं? कारण लिखिए। इसका कारण जो पहले प्रश्न में बताया है, ये इसी तरह का ही है कि ये सही है कि वक्त के साथ फेरी वाले के स्वर कम हुए हैं, क्योंकि लोगों की रुचि फेरी वाले के सामान खरीदने में कम होती जा रही है। लोग ब्रांडेड सामान खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। अब बच्चों, कहानी से आगे और ये अनुमान और कल्पना पर आधारित प्रश्न ये हमने पढ़े हैं, इनके उत्तर आप अपने नोटबुक में लिखिए। अब अगले भाग में हम भाषा की बात पर चर्चा करेंगे।